हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की हीरो जीरो एक्सपायरी की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज ही बता दूंगा कि वो कौन से स्ट्राइक प्राइस है और किस रुपये पे लेना है, ताकि आपको जो 10 रुपये वाली कॉल है वो उसका टारगेट आप 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आराम से बुक कर पाओ। तो उसके लिए करना क्या है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आज आपने जो भी हमने कॉल दिए थे उससे प्रॉफिट बनाया होगा। कोई भी ऐसी कॉल नहीं थी जिसने आपको प्रॉफिट ना दिया हो। सो अगर किसी ने नहीं दिया तो रेट टू रेट एग्जिट मिला है, अदरवाइज मैक्सिमम में प्रॉफिट मिला है। चाहे वो बैंक निफ्टी की कॉल हो, चाहे वो निफ्टी की कॉल हो, चाहे वो निफ्टी के लेवल्स हो, चाहे आपको नवीन फ्लोरिन जो सेल दिया था उसमें तो 100 पॉइंट से भी ज्यादा के टारगेट मिले, चाहे वो एक्चुअल सेल हो, चाहे वो स्कॉट सेल हो। और अगर आप भी इस टाइप के लाइव कॉल का एंजॉय लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, @NiftyView सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्लिक करके। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आज बैंक निफ्टी आरबीआई की पॉलिसी जो है इस टाइप से आई, लेकिन फिर भी ना ऊपर गया ना नीचे, क्योंकि दोस्तों पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आ गया, इसलिए कि बैंक ने आरबीआई ने जो बोल दिया कि बैंकों के लिए जो रूल्स है वो थोड़ा सा हम उसको और क्लियर करेंगे। जैसे आपको याद होगा, आपने अगर कोई लोन लिया होगा तो बैंक्स कई टाइप के जो है चार्जेस वगैरह काट देते हैं, हिडन चार्जेस वगैरह के नाम पे, ईएमआई ड्यू हुआ, बाउंस बैक हुआ, चेक बाउंस बैक हुआ, इस टाइप से। तो इस पे आरबीआई ने कदम उठाने के लिए बोला और ये थोड़ा सा बैंकों के लिए निगेटिव न्यूज हो गया। बट ये बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज नहीं, आई थिंक इसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन आया, बट फिर मार्केट जो है यहाँ से संभल के ऊपर ही जाने के लिए रेडी होगा। सबसे पहले मैं आपको जो है कल के लिए लेवल्स बता देता हूँ, लेवल्स पे फोकस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो 42,375 का जो है कल का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का, और सपोर्ट है 40,900। और आपको एक और चीज जो है बता दे रहा हूँ दोस्तों कि कल बैंक निफ्टी से ज्यादा फोकस हमें निफ्टी पे ही करके चलने में लग रहा है, ज्यादा फायदे होने वाले हैं। देखिए निफ्टी पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस डेली जो है 20% 25% भाग जा रहा है, अदानी पोर्ट भी भाग रहा है, तो दो स्टॉक तो ऐसे ही राउंड फिगर में जो है अच्छे अच्छे मूव दे रहे हैं। और बाकी कोई एक दो स्टॉक और आ गए सामने से, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आईटी में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, तो एक सेक्टर आईटी हो जाएगा, तो ये तीनों कड़ी मिलकर एक अच्छा खासा मोमेंट प्ले कर देंगे। और सीमेंट सेक्टर में एक थोड़ी सी जो है स्टीम आ रही है एक न्यूज की वजह से, तो बाई ऑन र्यूमर हो जाएगा, र्यूमर हो ही रहा है। आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में जो है काफी अच्छी मोमेंट आई, तो यहाँ से एक थीम बन जाएगी और मार्केट फिर से निफ्टी में जो है एक स्ट्रेंथ दिखाई देगा। बैंकों के ऊपर चूंकि निगेटिव न्यूज है तो बैंक थोड़ा सा जो है यहाँ पे लड़खड़ाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि तूफान के आने की पहले की शांति, और लेट्स सी कि किधर के साइड जो है तूफान आता है, होपफुली जो ऊपर साइड होना चाहिए। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है लास्ट में एक बहुत ही टाइट रेंज में जो है मूवमेंट किया है यहाँ पे, और ये बिल्कुल एक पैरेलल चैनल में जो है यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक रेंज इसने बना दी 41,500 से लेके और ऊपर जो 41,600 के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी आराम से यहाँ पे देखेंगे तो मूव किया है लास्ट में, ठीक है ना, ऊपर गया ना नीचे गया है, यही 100 पॉइंट जाके ट्रेड कर लिया। और 610 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर बैंक निफ्टी जो है एक ब्रेकआउट के लिए रेडी थी। उसके बाद 710 का एक लेवल था क्योंकि वहां से 100 पॉइंट के टारगेट आराम से थे, जो कि आपको 800 तक आते हुए दिखाई दिए, और 710 पे अगर सस्टेन हो जाएगा तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाती। ये हमने आपको अपडेट दिया भी था। अभी हमें क्या करना है कल के लिए, देखिए सिंपल सा लेवल है कि अगर खुलने के बाद कोई भी जो है यहाँ से डाउनसाइड करेक्शन आती है तो आप अगर सेल करके एंजॉय करना चाहते हैं तो सेल करके एंजॉय कीजिए, और सेल अगर करना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करना है, ठीक है। गिरावट दोनों में आएगी, निफ्टी में भी आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी में जितनी गिरावट आएगी निफ्टी में नहीं आएगी, तो हम सेल के लिए बैंक निफ्टी को रडार पे रखेंगे। और ये सेल कंफर्म होगा कि नहीं होगा इसके लिए आपको शाम का एक डेटा वाला वीडियो आता है, जो कि हम डेली जो है उसमें फेंडो डेटा को एनालाइज करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें आइडिया लग जाएगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो पुट लेके गए हैं कि नहीं गए हैं, जो कल उनकी पुटे थी 4 लाख के करीब आ रही थी वो होल्ड है या कुछ स्क्वायर अप हुई है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बैंक निफ्टी में पुट लेना भी है कि नहीं लेना है। तो अगर कल मार्केट 41,500 के नीचे खिसकता है ओपनिंग में, जिसकी कंफर्मेशन 465 475 के नीचे आती है, तो हम वहां से इमिडिएटली 41,400 के पुट को लेकर काम कर सकते हैं। उस समय हमारे टारगेट 41,350 से लेके और 223 के हो सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में अगर 41,100 को मार्केट होल्ड करेगा तो यहाँ से हम रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। ये जो है बैंक निफ्टी का क्लियर कट जो है प्लान होगा कल के लिए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों निफ्टी पे।
तो निफ्टी में देखिए कल का जो रेजिस्टेंस है वो 18,028 के आसपास है, ठीक है, 18,025 ही मैंने लिया, वैसे 28 है तो 18,025 रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है 17,745 है। अब देखिए निफ्टी में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, जैसा कि मैंने आपको रीजन भी बताया, तो जो हीरो एंड जीरो आज का है वो निफ्टी की तरफ से ही है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्लानिंग बता दे रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मार्केट ओपनिंग के बाद क्या कर रहा है। होपफुली ओपनिंग के बाद एक ये डाउन साइड करेक्शन देगा, ठीक है। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद डाउन साइड करेक्शन देता है तो आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको सेल का एंजॉय लेना है तो आप लीजिए, नो डाउट, ठीक है। सेल का अगर आपको एंजॉयमेंट करना है तो कीजिए, बट आपको हीरो या जीरो मिलेगा वो ऊपर साइड ही मिलेगा। तो अगर इन केस मार्केट करेक्शन करता है तो आपको फोकस करना है सबसे पहले 17,775 पे। अगर 17,775 टूटता है तो एनी हाउ 17,725-700 के पास ये एरिया होगा जहां पे आपको पकड़ना है, ठीक है। अगर आप 700 के पास पकड़ रहे हैं तो आपको लेना है 17,800 की कॉल, उस समय आपको 20-10 रुपये के करीब मिलेगा। अगर मार्केट यहीं तक आता है 17,775 के आसपास तो उस समय आपको लेना है 17,900 की कॉल, जिसको हमें पकड़ना है 10 रुपये पे, ठीक है। 10 रुपये पे लेके पहला टारगेट 40 और दूसरा टारगेट हम इसको 100 पे लेके जाएंगे, ठीक है। ये होगा कल के हीरो एंड जीरो का। अगर इनके सपोज कीजिए कि मार्केट ओपनिंग के बाद आपको दिखाने लगा कि एक ऊपर की साइड मोमेंट ले रहा है, तो फिर उस समय हीरो एंड जीरो का जो माहौल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय अगर ये जाएगा तो हमें बिल्कुल क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। उस समय भी हम 17,900 की कॉल पे ही फोकस करेंगे। अब उसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 40 रुपये से लेके 44 रुपये के आसपास जो हुई है, तो हमें क्या करना है, इसी कॉल को आई थिंक ये 15 से 20 रुपये के बीच में मिलना चाहिए, ठीक है। 15 रुपये के पास जितना मिले उतना बेटर होगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि उसमें अगर ऐसे लगाना चाहें तो आप 8-9 रुपये का ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर ओपनिंग के बाद एक क्विक रिएक्शन यहीं पे हो जाता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है, मतलब 862 की क्लोजिंग आई है और सपोज कीजिए कि 825 मार्केट नहीं तोड़ रहा है, यहीं पे हमें दिखाई दे रहा है कब यहाँ से एक रिवर्सल होने लगा। रिवर्सल कैसे आएगा, 5 मिनट का वेट कर लीजिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो समझिएगा कि यहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है। उस समय आप 17,900 की कॉल को बाई कीजिए, जो कि 15 से 20 रुपये के करीब जो आपको मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो 17,900 पे हाइएस्ट जो है कॉल सेलर अभी नजर आ रहा है तो वो थोड़ा सा इसको लेके नीचे जाएंगे, तो 40-42 रुपये की कॉल आराम से 15 से 20 के रेंज में मिल जाएगी, 15 से 20 के रेंज में मिल जाएगी। और 800 के ऊपर मार्केट अगर होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इंटर कीजिए। अगर सपोज दिखे कि कहीं गलती हो रही है तो ज्यादा ज्यादा नहीं, आपको 2-4 रुपये का प्रीमियम लॉस होगा, क्योंकि 800 के टूटते ही आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, या जो इसमें रिस्की ट्रेडर है वो लोग 775 तक देख सकते हैं और थोड़ा सा एवरेज आउट भी कर सकते हैं। ये जो है कल की हीरो एंड जीरो की जो है प्लानिंग के तहत जो है निफ्टी की जो है कॉल होगी, जो कि आप 17,900 के ऊपर नजर रखेंगे। 17,900 की कॉल है, इसी पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके चलना है। अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसको सेफ प्ले करना है वो फाइनेंस निफ्टी पे फोकस करेगा। देखिए निफ्टी फाइनेंस का देखेंगे चार्ट तो हूबहू बैंक निफ्टी की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी फाइनेंस का मैंने आज लेवल नहीं दिया है, बस इसका प्लानिंग में बताऊंगा। लेवल के साथ सिर्फ एक ही लेवल होगा इसका फोकस करने के लिए, 18,360 ऐसा एरिया, 350 जहां पे आएगा तो हमें फाइनेंस निफ्टी बाउंस बैक के लिए बाई करना है विद 5 मिनट टाइम कंफर्मेशन। अगर इन केस ये यहाँ से नीचे नहीं आता, यहीं पे कंसोलिडेट करता है, तो हमें इसको छोड़ देना है 17,620 तक, और फिर 620 पे एक कॉन्ट्रा प्ले करेंगे सेल करके, ठीक है। वो प्ले करेंगे 620 के पास, जिस समय हम एसएल मेंटेन करेंगे 645, मात्र और मात्र 25 पॉइंट का एसएल होगा। ये होगा 18,625 के पास हमारा सेलिंग का, और 18,645 हमारा एसएल होगा, जिसमें जो हमारा सेलिंग एरिया होगा वो 620 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रिस्क वाले 615 वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 18,610 620 आए, समझिएगा कि वहां से हमें किसी भी तरीके से सेल करना है, बट पहले मार्केट जाना चाहिए। नीचे से जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहेगा सेल करने का। अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग 18,350 के पास इसको रिवर्सल के लिए बाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो होगा कल निफ्टी फाइनेंस का प्लानिंग होगा, सेम लेवल और सेम प्लानिंग। बस इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट आज मैंने नहीं फाइंड आउट किया, सिर्फ यही चीज याद रखिएगा। उम्मीद है आज के बेहतरीन जो मैंने स्टॉक दिए थे, रैमको सीमेंट,
चंबल फर्टिलाइजर में तो खैर दो तीन पॉइंट ही मिले हैं, लेकिन रैमको सीमेंट में अच्छा खासा गेन मिला है, तो आपने एंजॉय किया होगा। चंबल फर्टिलाइजर कल अगेन मैंने लिया है। आज का हमारा बाइंग लेवल था 293, SL 281, देखिए 296 पे क्लोज हुआ है, 297 समथिंग का हाई है, तो 4 रुपये आज के हिसाब से मिल गए। अब कल का भी बाई रहेगा क्योंकि मन मुताबिक अभी मूव आई नहीं है, इसमें मूव अभी बाकी है, तो कल फिर से 297 के ऊपर बाई करेंगे, SL मेंटेन करेंगे 290 का। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। जितने भी हाउसिंग फाइनेंस के, माफ कीजिएगा, हाउसिंग फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे आपका DLF हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टी हुआ, NBFC में कुछ स्टॉक्स हैं, इन पे नजर रखनी है क्योंकि बजट के बाद इनके ऊपर थोड़ी सी फोकस की गई है, जो कि आपको पता है कि PMO का जो है एक फोकस है, सबको जो है घर देना है, होपफुली 2024 के आने आने तक जो है कई सारी आपको योजनाएं देखने को मिले, तो इनके ऊपर आपको थीम दिखाई देगी। तो कल के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी को हमें बाई करके चलना है, 1190 के ऊपर मेंटेन करेंगे सेल 1180 का। मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है प्रॉपर्टी के जो भी स्टॉक्स हैं इसमें एक ब्रेकआउट देखता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टॉक है वो है दोस्तों सिप्ला फार्मा। में आज आपने देखा होगा बहुत बेहतरीन जो है रिबाउंड हुआ है, और वो फार्मा, लुपिन, ये सारे जो है 6-6% तक ऊपर गए हैं, तो कल हमारी जो नजर है वो सिप्ला पे है। काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये भी, और 1041 के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत ही छोटा सा सेल 1030 के ऊपर, 1030 के ऊपर लगा के बाई कीजिएगा। अगर ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो 1041 के निकलते ही कोई भी ATM की कॉल उठा लीजिए, और जब तक 1030 न तोड़े होल्ड कीजिए, और उस समय अपने टारगेट को बुक कीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो हेल्प होगी, वीडियो हेल्प हो रही दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जस्ट इवनिंग में एक वीडियो अपलोड होगी जो इस टाइप की जो है डेटा एनालिसिस की वीडियो होती है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो हेल्प होगी।